हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सैटरडे और चेतन की मम्मी और सिस्टर आए हैं घर पे, तो मैं मिलवाती हूँ आपको सबसे। हाय एनी। हाय। कौन कौन आया है? आ जाइए, कंचन बुआ, मौसा जी की मम्मी और कंचन बुआ के हस्बैंड। हाँ। चलो फिर जल्दी सबसे मिलवाओ। चलो आप सबसे मिलवाओगे? हाँ, हाँ मिलवाओ, चलो जल्दी। तो ये है कंचन। कंचन बीबी बुआ। अन्नी ऐसे भागते नहीं है। तो बुआ हूँ उनके पास। कंचन बुआ। एक्चुअली तेरी हेल्थ ऐसी है ना, उसको दीदी लग रही है। बुआ ज्यादातर हट्टी कट्टी होती है। ये भी ठीक है। हाँ और कौन है? और है। अच्छा ये कौन है, चलो आप बताओ। वो मौसा जी कैसे हुए? ये बुआ और ये मौसा जी। हाँ। और ये दादी। दादी। और कौन रह गया? इंट्रोड्यूस तो कर दो। सबको पता है अनवी कौन है, सब अनवी के फैन है। इतना भी नहीं पता मौसा जी को? हाँ। पता है अनवी से मिलने के लिए सबके मैसेज आते हैं। अब मिलते हैं अनवी के दुश्मन से, यानी कि मौसा जी। ये दुश्मन है आपके? हाँ। क्यों? अभी गिरा रहे थे, अभी गिरा रहे थे। ओह। साथ में। और आपके वो कहाँ हैं दोस्त? दो अब मिल गया है तो बेचारा मैक्स है। वो बैठे। अरे ये हाय। अब ये सीधा कर दे। हाय। पता है तुम्हें मजा तो सबको आता है ना? यस। वो कम से कम बेचारा, हाँ ये से मुंह में देके बैठा था। और वो कम से कम कुछ भी शैतानी करे, सबके सामने तो करे। वो क्या, हमें एक काम करते हैं, आपका और कंचन बुआ का स्मेल चैलेंज करवाएंगे, ठीक है? ओके। और एक और गेम, हमें ना रोशनी को बहुत गरीब से देखना है। गरीब नहीं, करीब। बहुत पास से देखना है 15 मिनट्स के लिए। ओके। और अगर आपने बीच में आंखें बंद की, स्विच ऑफ की, तो आप हार गए। ओके। कल मेरा और कंचन का चैलेंज होगा, जिसमें हम करेंगे गोलगप्पे चैलेंज, ठीक है? कौन कितने ज्यादा गोलगप्पे खाएगा। और फिर अनवी और कंचन का चैलेंज होगा स्मेल चैलेंज, ठीक है? अनवी को ऐसे लाता हूं। डन। ऊपर आ गई, ठीक है? नहीं, स्मेल चैलेंज होगा आपका और कंचन बुआ का। डन। अनवी दे रही है सबको जिम टूर, जिसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई है। अन्नी सबको जिम टूर दो, क्या क्या चीज किस चीज के लिए यूज होती है। अन्नी कितना उठाना चाहिए? जितना हमारे बस की हो। तो मेरा ये वाला नहीं उठा सकती। हाँ ये तो हल्के हैं, ये तो उठा सकते। वो गायब हो जाएगी कंचन। ये लग कैसी रही है ये? क्या कह रही है अन्नी दादी, मैक्स और प्रोनो बेकार है? मैक्स और ब्रूनो ने उससे पहले आपको चढ़ना नहीं आता था? चलना तो नहीं सिखाया मैक्स ब्रूनो ने आपको? वो खुद ही सीख लिया। पसीने का राजा बह जाता है। कंचन बुआ और आप पतले हो? हाँ। दादी और आप में पता नहीं। आई थिंक आप में और दादी में ये सिमिलैरिटी है कि आप दोनों भागते रहते हो। अबे गिर भी जा। हाँ
बेची है। इससे तो बेचती हो, इससे भी आप बोलते रहते हो ना दोनों जने। हाँ सुबह कह रही संगीता आंटी और सीमा आंटी बात करते रहते हैं, मेरे से कोई बात नहीं करता। अच्छा इसमें उसमें बता मौसा जी में और आप में क्या सिमिलर है? हाँ मेन मुद्दा तो यही है, मुद्दा देते हैं। हाँ वेरी गुड, बहुत सही सिमिलैरिटी, आप दोनों ही लड़ते रहते हो। और आप में और मम्मा में क्या सिमिलर है? हम दोनों इंटेलिजेंट। अरे बाप रे। और आप में और मुझ में क्या सिमिलैरिटी है? दोनों को मेकअप का शौक है। दोनों व्लॉग करते हैं। आप तो नहीं करते, आपने तो मेरी हेल्प भी नहीं की जब आपने बोला था कि मैं सर्जरी के टाइम पे हेल्प कर दूंगी। करवाना पसंद है। और आप में और मन्नो मौसी में क्या सिमिलैरिटी है? अब तो यही आ रही है तो मम्मी तब बता दूंगी। अच्छा आप में और नानी में क्या सिमिलैरिटी? और मामा में? आप भी लेजी हो? क्रेजी। आप भी क्रेजी हो? थोड़ा क्रेजी। चीजों को छुपा के रखते हैं। अब तो पता चल जाएगा मम्मा को जब व्लॉग देखेंगी। ओ आपने तो सीक्रेट शेयर कर दिया। नहीं करूंगी एडिट, अभी से एडिट। आपको क्या कहना है? क्या पूछना चाहते हो? मैं पूछना चाहती हूँ, एक गेम खेलते हैं। चलो मैं आपको बताना है जो मैं अभी सोच रही हूँ। आप सोच रहे हो कि कल मेकअप वीडियो करेंगे? नहीं, ये सोच रही है कि हम गेम खेलेंगे। नहीं मैं सोच रही हूँ कि कौन विनर होगा इस चीज का, इस गेम का। कौन सा गेम? ये जो आप भी खेल रहे हैं। हम तो कुछ खेल ही नहीं रहे। बॉल भी इसके नहीं गई ना। मेरे नाक में कुछ लग गया। इनविजिबल राखी क्यों बांध रहे हो? क्योंकि ये ऐसी बहन है जो रक्षाबंधन पर अपने भाइयों को राखी बांधना भूल गई थी। हाँ, अब मुझे एक तो मिठाई देनी है। मिठाई नहीं देनी है। अरे आगे, आगे, आगे। और मैक्स ने अनवी की प्रोटेक्शन की है, इसलिए मैक्स को अनवी ने इनविजिबल राखी बांध दी है। Thank you.
मैं व्लॉग नहीं कर पाई पार्क से आने के बाद, बिकॉज बहुत सारा काम था। हम लोग थोड़ा सा कर रहे हैं सफाई, क्योंकि आज और कल के दिन ही दो दिन की छुट्टी है हमारे पास। आज का दिन ऑलरेडी निकल चुका है, सो जो थोड़ा बहुत टाइम बचा है उसे अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए हम लोग कर रहे हैं ये वाले रूम को थोड़ा सा डीक्लटर। बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ ना, मेरे किचन में क्योंकि स्पेस कम है और ये वाली अलमीरा खाली है जिसे हम यूज़ नहीं करते उतना। इसमें चेतन का सामान रहता था, बट उतना मतलब सामान भी नहीं है कि जितनी पूरी अलमारी में फिट हो जाए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, उसको एक साइड पे ट्रांसफ़र करके और एक साइड पे हम सारा अपना जितना भी ग्रोसरी का लग गए। और थोड़ा सा मुझे लगता है इस रूम को भी थोड़ा डिक्लटर करना पड़ेगा, बिकॉज ये सोफ़ा फालतू पड़ा है जिसे मुझे यहाँ से निकालना है, जो कि बहुत बड़ा काम है। और ये मेरा सामान है जो मुझे सॉर्ट आउट करना है। बेसिकली मेरा हेयर का किट है, जब मैं शूट्स वगैरह पे जाती थी, अब तो मैंने शूट्स पे जाना बंद कर दिया है। तो मुझे ये, या तो मैं सोच रही हूँ कि किसी को डोनेट कर देती हूँ, या फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह को किसी को दे देती हूँ जिसको भी चाहिए होगा, बिकॉज मेरी अब मेरी काम की चीज़ इतनी नहीं है उसमें। ये सॉर्ट आउट करना है, ये सोफ़ा यहाँ से सॉर्ट आउट करना है, एंड वो जाएंगे कंबल ड्राई क्लीन के लिए। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है संडे और आज है जन्माष्टमी भी, तो हैप्पी जन्माष्टमी टू यू ऑल। और कल मैंने ज़्यादा कुछ ऐसा व्लॉग नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था सफाई का, जैसा कि मैंने बताया था, तो मैं ज़्यादा कुछ ऐसे व्लॉग वगैरह नहीं कर पाई। और आज भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा व्लॉग कर पाऊँगी, बट हाँ, जो भी थोड़ी बहुत अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। प्लस मुझे आपके साथ शेयर करना था, मैं सड़ू ना, आप में से कितने लोग जानते हैं एक मीशो करके ऐप है जिस पे आपको रीजनेबली गुड प्रोडक्ट मिल जाते हैं कम अमाउंट में। मुझे पता नहीं उसके बारे में एग्जैक्टली कि सच में ऐसा है कि नहीं, बट मैं टेस्ट आउट करना चाहती थी उस एप्लीकेशन को, तो मैंने वहाँ से एक बेडशीट ऑर्डर की है। जैसा कि आप जानते हो कि मेरे घर में बेडशीट्स का बहुत बुरा हाल होता है, मैं अक्सर भूलों की वजह से एक घंटे में दो घंटे में पूरे हेयर से वो भर जाती है, तो मुझे डेली बेडशीट चेंज करनी पड़ती है। और उसमें से एक दो बेडशीट ऐसी थी मेरी जो पिछली थी, जो एक्चुअली बहुत महंगी थी और उन बेचारियों ने ज़्यादा दिन देखी नहीं, उनकी ज़िंदगी बहुत कम थी। मैक्स ने उनको पूरा फाड़ दिया, पूरा मतलब वो दोबारा बचने लायक बची नहीं। तो मैंने सोचा कि महंगी बेडशीट लेने से बेटर है कि आप सस्ता कुछ ख़रीद लो। तो मैंने अभी एक टेस्ट आउट करने के लिए बेडशीट ऑर्डर की थी जो कि आ गई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी ये बेडशीट है। प्लस मैं अभी इसको बिछाऊँगी भी, यूज़ करूँगी। पैर पूछने का, तो ये बेडशीट कुछ इस तरीके की दिख रही है, लुक अच्छा है, लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, कपड़ा भी मतलब ठीक ठाक है, कॉटन नहीं है बिल्कुल भी, वैसा वाला कपड़ा है ये, थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं इसको, चिकना टाइप का थोड़ा सा कपड़ा है। और इसकी स्टिचिंग बहुत 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 बेकार है, मतलब ये कभी भी खुल जाएगा, भगवान भरोसे स्टिचिंग है। एक सिंगल सिलाई मार के दिया हुआ है, और तकिए के कवर तो ऐसे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे तैसे मैंने तकिए इसमें ठूसे हैं, इसमें तकिए घुस भी नहीं रहे थे। आप देखो ज़रा स्टिचिंग कैसी है इसकी, बट यार क्योंकि लुक अच्छा है तो अभी के लिए थोड़ा सा ऐसे ऐसे सेट कर दिया है। अभी मैंने यहाँ पे जो बास्केट्स थी वो मैंने ऑर्डर की हुई हैं, आएंगी, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि मुझे किस चीज़ के लिए कितनी बास्केट चाहिए, एंड जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने इसमें कर दिया है। एंड ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको आइडिया नहीं होता कि है। तो हम लोग और ख़रीद के ले आते थे, तो एटलीस्ट इससे मुझे ये पता चलता रहेगा कि मेरे घर में क्या सामान है और जो नहीं है वो परचेज़ करना है। प्लस इसे यहाँ पे हैंडल करना बहुत बहुत ईजी हो गया है। सो अगर आप सोच रहे हो जर्मन शेफर्ड या गोल्डन रिट्रीवर में से कुछ भी अपने घर पे लाने के लिए, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने इनके बाल झड़ते हैं जब श्रेडिंग पीरियड होता है इनका, ताकि आपको एक अंदाज़ा रहे। ब्रूनो मैक्स के बाल
तो अभी बज रहा है 5:30 और सफाई वगैरह कंप्लीट करके अब जाके मैं नहा धो के रेडी हुई हूँ। सिर्फ लंच करने के लिए टाइम मिला था, बीच में बिल्कुल टाइम नहीं मिला, इतना ज़्यादा काम था। बिकॉज हमने शुरू किया था थोड़े पोर्शन को कंप्लीट, बिकॉज हमने शुरू किया था थोड़े से पोर्शन से, लेकिन वो होते होते पूरा ही फैलता चला गया। एंड देन फिर उसके बाद हमने सोचा कि पूरा ही करके कंप्लीट कर देते हैं। सो अब मैं जा रही हूँ नीचे अन्वी के पास, लिए वो कृष्णा जी को नहला रहे हैं अभी। सो अभी मैं नीचे जा रही हूँ और आपको भी मैं साथ में लेके चलती हूँ। किसको ठंड लग गई? भगवान जी को। क्यों? इसलिए हमें उनको टॉवल में रैप करना पड़ा। इनको नहला दिया। मेरा बर्थडे गिफ्ट है उनसे, उनके लिए बर्थडे गिफ्ट है ये। आपने दिया है? हाँ, उनका बर्थडे गिफ्ट। बहुत सुंदर कपड़े हैं। तो आपको बात अच्छा लग रहा है? वाह, और वो इसमें नहाए थे। क्या क्या डाला था इसमें? मैं वही कह रही हूँ, शक्ल नहीं देख तो या तो ये बना सकते हैं छोटा सा। ये अच्छा है। हाँ ये देखिए, अन्वी के भगवान जी के कपड़े इसकी मम्मी ने इकट्ठा किए हुए हैं। कितने सारे कपड़े, अरे बाप रे, इतने तो सर्दी का है। इतने इतने कपड़े तो मुझे लगता है मेरे पास भी नहीं है। ये अच्छा पिलो है ना, ये है और ये सबसे सुंदर है ना। आपको कौन सा पसंद है इसमें से? सर्दियों के भी कपड़े हैं? हाँ। अरे ये अच्छा, ये ऐसे, ये वाला देखो, ऑरेंज वाला। ये ऑरेंज वाला, ये थोड़ा सा ज्यादा भारी है। वाओ, सो प्रिटी। ये मुकुट तो अच्छा है ना? बहुत। ये भगवान जी जैकेट बहुत अच्छा है। जैकेट? यस, ये भी तो एक जैकेट ही है। ये देखो। कितना क्यूट है ना? मैं भी करूँ? हाँ, ट्राई करो, बताएगा। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के ओम जय जगदीश हरे। जो धारी पर पारी दुख बिन से बनिका, स्वामी दुख बिन से बनिका, सुख संपत्ति घर आवे मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे।